ये क्या हो रहा है? शोर की आवाज कैसी है? इस शहर में क्या हो रहा है? बताते क्यों नहीं? जिंदानबान, ओए जिंदानबान, जिंदानबान, ए निगहबान, इधर आओ। निगहबान, जिंदानबान, निगहबान, ए जिंदानबान, क्या हो गया है? क्यों शोर कर रहे हो? हो रहा है। ये रोने की आवाज कैसी है? बताओ क्या हुआ? अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये रोने की आवाज कैसी है? आते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ? जानना चाहते हो ना? लो सुनो, बनी हाशिम सोग मना रहे हैं। ये आवाज बनी हाशिम के सोग मनाने की है। हसन इब्न अली दुनिया से चले गए, वो गए। झूठ बोल रहे हो। खुदा लानत करे तुम पे मुनाफिक। तुम झूठ बोल रहे हो हमें अजियत करने के लिए। हमें परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हो। सही बात क्यों नहीं बताते? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। देखो वो आ रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। मोहम्मद, क्या कर रहे हो मोहम्मद? चलो हमला करते हैं। करके यहां से निकलते जाओ, जल्दी चलो वरना वो हमें पकड़ लेंगे। चलो जल्दी निकलो, भागो यहां से, जल्दी भागो। वो लोग फरार हो रहे हैं, चलो जल्दी करो, पकड़ो उन्हें, जल्दी करो। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगा। क्या हंगामा है यहाँ पे? ये क्या हंगामा है यहाँ पे? शेमर तुम संभालो उसे, आओ चलो। Thank you.
उधर देखो सरदार, वही लोग जो जिंदान से फरार हो गए थे। उनको छोड़ो, अभी उससे बड़ा मसला भी हमारे सामने है। आज बहुत सौ का खून बहाया जाएगा। ठहरो, ठहर जाओ। मैं मरवान इब्ने हकम मदीने का हाकिम होने के उनवान से तुमसे एक सवाल करता हूं। पिसर हकम, बेहतर है कि तुम अपनी और अपने साथियों की जान पर रहम करो और हसन इब्ने अली के अजादारों के रास्ते से हट जाओ, वरना खुदा की कसम अभी मेरे अंदर वो कैफियत पैदा हो चुकी है कि अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदी, मैंने तुमसे कहा कि एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे दोस्ताना सवाल का जवाब यही है।
हम चाहते हैं कि हसन इब्ने अली को मस्जिद नबवी में उनके नाना के पहलू में दफन करें। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? यह मुमकिन नहीं? हाँ, कतअन मुमकिन नहीं है। क्या बनी हाशिम ने इजाजत दी थी कि उस्मान इब्ने अफ्फान के जनाजे को कब्र पैगंबर के नजदीक दफन कर दिया जाए? उस्मान की बात नहीं है, बात हसन इब्ने अली की है। हसन इब्ने अली रसूलुल्लाह के आबरूमंद फर्जंद हैं। उस्मान कातिब कुरान थे और सहाबा में पैगंबर से करीब थे। तू अपना नजिस मुंह बंद कर मलऊन। खुदा की कसम, अगर अब मैं तलवार उठाऊं तो ऐसा जर्ब लगाऊंगा कि तू जहन्नम में अपने मलऊन अजदाद के पास पहुंच जाएगा। अपना नजिस मुंह बंद कर मलऊन। रुक जाओ, ठहर जाओ। अभी मेरे मना करने की एक और दलील है, वो ये कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अभी अभी ये कासिद भेजा है और हमें यूं हुक्म फरमाया है कि इजाजत ना दें हसन इब्ने अली को मस्जिद नबी में दफन किया जाए। चलो आगे बढ़ो। हुसैन इब्ने अली का कहना है कि मेरे भाई की वसीयत है कि मेरे दफन के वक्त किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहना चाहिए। हुसैन इब्ने अली का कहना है कि बकी की तरफ चलो, वहां मेरे भाई को दफनाया जाएगा। क्या हो रहा है?
क्या कर रहे हो? दारू खिलाफा में क्या कर रहे हो? रोको इन्हें, पकड़ो, चलो। कहां भाग रहे हो? हजार, क्या हो गया? क्या हो रहा है इस शहर में? हजार, ये तुम्हें क्या हो गया है? ताऊन, 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 मत लगाओ, मत छुओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, जाने दो। मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। खुदा के लिए मुझे साथ ले जाओ, मुझे साथ ले जाओ। वो है मुगैरा का खेमा। वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता जब इसके इशारे से जल्लाद ने हारिस का सर कलम कर दिया था। वो मंजर सोचकर मेरा खून जोश में आ जाता है। मुगैरा, जब से मैं आया हूँ तेरा चेहरा एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से नहीं हटता। वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता जब इसके इशारे से जल्लाद की तलवार ने हारिस का सर कलम कर दिया था। वो लम्हा सोचकर मेरा कि उस वाक़े की याद आती है, मैं गुस्से से कांपने लगता हूँ। जब वो अबा मोहम्मद के खैमे से निकल के मुस्कराने लगा और ना चाह कर भी वो कहने लगा कि पूरे आलम इस्लाम में अबा मोहम्मद के अलावा किसी को भी मुसलमानों के जान और माल की फिक्र नहीं है। उसकी इसी बात की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया। हाँ इब्ने हुरैस, ये लो, ये देखो, देखो अमीर ने तुम्हारे मांगे वो जवाब में क्या लिखा है। तुम बाहर रुको। लिखा है कि दमिश्क आने का तुम्हें हक नहीं है, वहीं रहो जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए। डरता है कि हम दमिश्क और उसके महल में ताऊन ना फैला दें। देख रहे हो कि किस तरह हमारी जहमतों का सिला देता है। अब क्या करना चाहिए? कब तक हम यहां रुके रहें? अंधे हो नहीं पड़ा जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए। कब तक हम यहां रुके रहें? जब हमें और तुम्हें वासिले जहन्नम करेगा। वासिले जहन्नम। कल ही एक कासिद कूफा भेज दो ताकि जो वहां हो रहा है हमें उसकी खबर दे। इताअत होगी। कौन हो तुम? ताऊन, तुम्हें जहन्नम पहुंचाने के लिए आए हैं। चलो मारो। ये वही चीज है जो तुम्हें बहुत पहले मिलना चाहिए थी और मुझे भी इसका इंतजार था।
उस पर्दे के पीछे जोधा है। माविया से अपनी खयानत का इनाम लेने जा रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ। भागने ना पाए, भाग के पीछे जाओ, उनका पीछा करो, जाओ उनका पीछा करो, पहाड़ के पीछे गए हैं, जिंदा पकड़ के लाना, जिंदा पकड़ के लाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब जब के हमारी बेयत अमीरुल मोमिनीन के साथ, जब तक मलकुल मौत हमें जहाने फानी से जहाने बाकी की तरफ नहीं ले जाता, मजबूत और मुस्तहकम है। लिहाजा मैं अवाम की जानिब से अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हम एक अजीम शान खलीफे के वजूद से फैजयाब हों, लेकिन कल को हमारे बच्चे एक अजीम खलीफा के साये से महरूम हो जाए। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा, ये ऐन जुल्म है। खलीफतुल मुस्लिमीन का कोई तो जानशीन होना चाहिए। हक ये है कि दुनिया में अमीरुल मोमिनीन के इंतहाई लायक और खलफ फर्जंद से बेहतर कोई नहीं। ऐसा फर्जंद जो खिलाफत के आसमान का सूरज और खुदा का बरगुजीदा बंदा है। खुदा बंदे आलम अमीरुल मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यकीनन आज के इस दौर में यजीद से बढ़कर खिलाफत का हकदार कोई नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन, अपनी इस उम्मत को अपने बाद लावारिस न छोड़े। खुदा का शुक्र कि उसने हमें और हमारे खानदान को मुसलमानों की बंदगी और खिदमत का मौका दिया है। यही हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये दुनिया एक खेल का मैदान है। कसम खुदा की मैं इस शोर व फितने से आजिज हो गया हूं। हथेली भर जमीन और एक मश्क पानी चाहता हूं कि खुद अपने हाथों से चावल बोऊं, आबियारी करूं और अपनी जिंदगी इबादत में गुजार दूं। लेकिन नहीं मालूम कि खुदा ने तुम लोगों का बोझ मेरे कंधों पे क्यों लाद दिया। अपने बेटे के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने कांधों पे तुम लोगों का बोझ अब नहीं उठा सकता। काफी है, बस है। अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, इसकी इज्जत में इजाफा कर कि तेरी इज्जत का मुहाफिज है और तेरी आरजुओं को जमीन में नाफिज करने वाला है। खुदा तुम्हारी नेमतों में इजाफा करे। अगर तुम इस जमात की हाजत कबूल करो और हमारे दिलों से ऐसे दर्द को दूर कर दो। आगाह हो जाओ, ये बात जान लो कि अगर अमीरुल मोमिनीन कबूल फरमाए तो मैं इस नेमत के शुक्राने के तौर पर 100 गोसफंद, 10 शुतुर, 12 नाके कुर्बानी करके उन्हें फुकरा के दरमियान तकसीम करूंगा। मैं उसके दो गुना जितना तुमने कहा है कुर्बानी करूंगा। खुदा अमीरुल मोमिनीन को सलामत रखे, मैं उससे 3 गुना ज्यादा कुर्बानी करूंगा। 300 बकरियां, 30 ऊंट और 40 नाके। तुम्हारे करने से क्या होता है? शायद लोग पसंद न करें। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जानशीन मुकर्रर नहीं कर सकता। नामुमकिन है। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
ये कानून के खिलाफ है। ये धोखेबाजी करके रहेगा। ये गलत करता है। ये झूठा है। खिलाफ नहीं छोड़ेगा। ये दगाबाज है। खिलाफत छोड़ने वाला नहीं है। देखो डरा के हम सबको बैत ले रहा है। और दमिश्क वाले तो मेरे बेटे को अच्छी तरह पहचानते हैं। उसका ज़ोहद तक़वा और खुदा परस्ती से भी वाकिफ है। जहां तक मैं जानता हूं सब उसे पसंद करते हैं और बईद है कि कोई उसका मुखालिफ हो और उसे पसंद न करता हो। और तुम लोग बुजुर्गान शाम, तुम लोग क्या चाहते हो? यजीद को मेरा वली अहद इंतखाब करोगे? अगर कोई मुखालिफ हो तो बता दो, कोई बात नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बोलता है कुछ नहीं करेगा। ऊपर देखो दम का रहा है। बस इत्मीनान के लिए एक और बार पूछता हूं, क्या तुम लोग जान और दिल से मेरे बेटे यजीद की बैत करोगे? हाँ जरूर जरूर। ये जान लो कि जर्रा बराबर भी किसी के दिल में शक नहीं होनी चाहिए। बैत खलूस से नीयत, तहे दिल और एतमाद से होना चाहिए। खुदा करे कबूल। क्या बात हो गई है? रास्ते में कुछ लोगों ने हमला किया और बानू को तीर से हलाक कर डाला। जरूर हसन इब्न अली के साथियों का काम होगा। मर गई? हाँ, दोनों तीर बानू के दिल में लग गए। मारने वाले को पकड़ा है? नहीं अमीर, लगता है दो बंदे थे और दोनों भाग गए हैं। तुम्हें उसका बेजान बदन देखना गमजदा नहीं करेगा? क्या कहूं, मैंने मुर्दा लाशें बहुत देखी हैं। अब इसके बाद और ज्यादा देखोगे? हाँ, मैं सिर्फ अपनी लाशें का सोचता हूं तो मुझे डर लगता है। मेरा लाशा? हाँ, आपका लाशा भी। आपका लाशा भी देख के मुझे गम होगा। बेचारी कितनी आरजूमंद थी, अपनी आरजू न पा सकी। तुम्हारी खिलाफत नहीं देखी? हाँ बेचारी, इस महल में सिर्फ उसी को ऐसी आरजू थी। और मैं? हाँ आपको भी आरजू है, लेकिन आप भी नहीं देख सकोगे। वो आए और मुझे अपने बाप का महल दिखाए। ये औरत कौन है? अशस की बेटी, वही जिसने हसन इब्न अली को जहर दिया। आगे आओ देखते हैं। ए बुढ़े, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह से बात करो? मैं यजीद इब्न माविया की बीवी हूँ, मैं ज्यादा हूँ। चलो उठो, मेरी ताजीम करो, आओ मुझे सजदा करो।
ये लड़की तो पागल हो गई है। क्या कह रही है? मुझे जानती हो? तुम्हें नहीं, नहीं जानती। मैं हूं माविया। माविया? मैं किसी ऐसे नाम वाले को नहीं जानती हूं। नहीं, मैं सिर्फ यजीद को जानती हूं। यजीद को जानती हो? हाँ, मैं यजीद को जानती हूं। काटने वाले बदशकल कुत्ते, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे हम कलाम हो? कैसी बेवकूफी के सवाल कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने शोहर को ना पहचानूं? जाओ मेरे शोहर को इत्तला करो, कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं उससे बयान करना चाहती हूँ। यजीद से क्या चाहती हो? वही कूजा। कूजा? वही कूजा जिसे अबा मोहम्मद ने पिया है। चाहती हूँ कि मैं भी उससे घूट पानी पी लूं। मैं बहुत प्यासी हूँ। दीवानी है। दीवानी? दीवाना तू है कि जो मुझे नहीं पहचानता? अभी तेरी मोटी मोटी आंखें निकाल लूंगी। बानो, उठ जाओ। तय था कि तुम कूजा लाओगी और मैं उस कूजे में जहर मिलाऊंगी। निकालो, कहाँ छुपा रखा है वो कूजा, मुझे दे दो। मेरा मुस्तकबिल उसी से वाबस्ता है। देखा, सो रही है, वो भी ऐसे मौके पर जब मैंने फैसला कर लिया था कि उसका काम तमाम कर दूं। आंखें क्यों नहीं खोलती? बता, जहर कहाँ है? मैंने तेरे दिए हुए तोहफे को हाथों में लिया और घर पहुंची और इंतजार करती रही। काफी देर उस कोने में बैठी रही और हैरत से उस तोहफे को देखती रही। तभी मैंने यजीद और माविया को देखा कि फाकरा लिबास पहने हुए हैं, मेरे इस्तकबाल को आए हैं, मेरा हाथ चूम रहे हैं। उस तोहफे में मैंने जहन्नुम को भी देखा कि जिसका दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। जहन्नुम? मैंने सुना है कि माविया के पास जन्नत है जो अमल की जजा में दे देता है। खुदा के लिए तुम मुझसे पूछो कि मुझे अपनी जन्नत में जगह देगा? और जबकि मैंने उसकी इतनी खिदमत की है, तो क्या वो अपनी जन्नत में मुझे जगह नहीं देगा? मैंने खुदा की जन्नत के बदले माविया की जन्नत खरीदी है। क्यों, क्या मैंने अच्छा सौदा नहीं किया? मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। अबा मोहम्मद नमाज में थे। मैं मुंतजर रही देर तक। वो कमरे से निकले और मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैंने जहर को कूजे में डाला और बाहर आ गई। यजीद क्यों नहीं आ रहा? मैं बेताब हूँ। लेकिन इस औरत ने कहा था कि यजीद मुझे अपनी बीवी बनाएगा। लेकिन झूठ कहा था। मैंने उसे शोहर के तौर पर इंतखाब किया था और अब तलाक देती हूँ। यजीद दीवाना और बदशकल है और ये दोनों सिफात उसे विरसे में अपने बाप से मिली हैं। जब माविया बिस्तर मर्ग पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो यजीद खुशी से कूद रहा था। क्या ये सही है? क्या ऐसे शख्स पर जो अपने बाप की मौत पर खुशियां मना रहा हो एतमाद किया जा सकता है? या मुझ जैसी जिसने अपने शोहर को जहर दिया है, उम्मीद रखी जा सकती है? वो भी ऐसा शोहर जो आलम का सरदार था, जिसने माविया को अपनी गुलामी के लिए भी कबूल नहीं किया। मैं कोने में छुपी हुई थी जब हसन इब्ने अली आए। बहुत प्यासे, उन्होंने कूजे से एक प्याला पानी पिया। मुझसे गलती हो गई कि जहर कूजे में डाला। काश मैं उस पानी को खुद पी लेती और हलाक हो जाती। और इस वक्त मुर्दों के महल में माविया यजीद की मौत के साथ इस कनीज की हम सफर होती। सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत गर्म है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अंधेरा फैल रहा है? बदरूहे आगे बढ़ रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मुझे उनका जवाब देना है। अगर देर हो गई तो मैं उनके काफिले से रह जाऊंगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ। रुको, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। रुको। उसे शहर से बाहर कर दो।
सलाम अलैकुम। हमारा सलाम हो तुम पे। तुम लोग कहाँ थे? कहाँ हो तुम लोग? मैं और अहमद तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा था कि हम यहाँ उनका इंतजार करें। हुसैन इब्ने अली? हाँ। वो कहाँ? वहाँ, वो देखो उधर उस टीले पे। हमारी जाने फिदा।